हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल एंड लाइफस्टाइल चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 9th चैप्टर 1 ऑफ मोमेंट्स द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद। फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। हेयर वी बिगिन। द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद, आज हम इसकी समरी करेंगे। तो ये एक छोटे बच्चे की स्टोरी है जो एक मेले में गुम हो जाता है, अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। तो हम इस स्टोरी की समरी को स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी हाइलाइट्स अ चाइल्ड्स लव फॉर हिज पेरेंट्स। ये जो स्टोरी है एक बच्चे का उसके पेरेंट्स के लिए जो प्यार है उसको हाईलाइट करती है, उसको दर्शाती है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द स्प्रिंग, एवरीवन इज़ गोइंग टू द फेस्टिवल। ये एक स्प्रिंग का फेस्टिवल है, यानी बसंत का त्यौहार है, बसंत का सीजन है। तो वहाँ पर जो है गाँव में मेला लगता है और सब उस मेले में जाते हैं। The child is very happy and excited because he is also going to fair with his parents. जो बच्चा है इस स्टोरी में वो भी बहुत खुश है और एक्साइटेड है क्योंकि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ जो है इस मेले में जा रहा है। The place was crowded with people and there were different kinds of stalls set up in the fair. जो जगह है, मतलब जो मेला है, वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है। बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पर क्योंकि सारे ही गांव के सब लोग जाते हैं उस दिन। सब अपने रेगुलर वर्क जल्दी जल्दी कर लेते हैं, घर के काम या जो भी जिसका काम होता है, या कुछ लोग छुट्टी ले लेते हैं अपने काम से और सब उस मेले में जाते हैं क्योंकि वो साल में एक ही बार लगता है। और वहाँ पर जो है अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं, जैसे हम यहाँ पर अगर किसी फेयर में जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं, तो वहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं ना, कुछ खाने पीने के लगते हैं, चीज़ों के लगते हैं, खिलौनों के लगते हैं, कपड़ों के लगते हैं। तो वैसे ही द चाइल्ड वॉज ओवरजॉयड व्हेन ही सॉ द टॉयज इन द शॉप्स एंड प्लीडेड टू हिज पेरेंट्स टू बाय हिम अ टॉय। तो जो बच्चा है वो खिलौनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक खिलौना खरीद कर दें। बट हिज फादर गेव हिम अ स्टर्न लुक अपॉन हियरिंग हिज रिक्वेस्ट। लेकिन उसके फादर जो है उसे गुस्से वाला लुक देते हैं, जैसे आंखों से ही वो उसको ऐसे, मतलब एकदम ऐसे देखते हैं कि वो बच्चा समझ जाता है कि वो मुझे टॉय नहीं दिलाएंगे। उसके बाद है मीन वाइल हिज मदर आस्क्ड हिम टू सी द मस्टर्ड फील्ड विच लुक्ड लाइक अ फील्ड ऑफ गोल्ड। इसी दौरान उसकी माँ जो है उसका ध्यान भटकाने के लिए उसको बोलती है कि वो उस सरसों के खेत की तरफ देखे जो ऐसे लग रहा है जैसे कि सोने का खेत हो। वो इसलिए सोने का खेत लग रहा है क्योंकि मस्टर्ड फील्ड है तो उसके ऊपर पीले पीले फूल आ रखे हैं, तो वो इस वजह से येलोश दिखाई दे रहा है, इसलिए वो उसको बोलती है कि सोने के खेत जैसा दिखाई दे रहा है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर फ्लटरिंग देयर कलरफुल विंग्स ओवर द मस्टर्ड फ्लावर्स। और ड्रैगन फ्लाइज का जो एक ग्रुप है, मक्खियों का एक झुंड जो है, उन मस्टर्ड फ्लावर्स के ऊपर जो है अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है, रंग बिरंगे पंखों को। द चाइल्ड ट्राइड कैचिंग वन ऑफ दोज कलरफुल इंसेक्ट्स। वो उनमें से एक मक्खी को कैच करने की, मतलब पकड़ने की कोशिश करता है। बट एज हिज मदर कॉल्ड हिम टू द फुटपाथ एंड ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। लेकिन उसकी मदर बोलती है कि तुम आकर यहाँ फुटपाथ पर चलो, तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ता है। ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स एंड पिक्ड अप सम पेटल्स इन द ग्रोव। वो जो है वहाँ पर कबूतरों की आवाज़ सुनता है चूँ चूँ की, एंड पिक्ड अप सम पेटल्स। पेटल्स होती हैं पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ, ग्रोव यानी वहाँ के गार्डन से उठा लेता है उन पत्तियों को। बट अगेन एज हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, फिर उसके पेरेंट्स उसको बुला लेते हैं, ही मेड हिज वे टूवर्ड्स देम। वो अपनी तरफ ही उनका रास्ता कर लेता है, मतलब उनकी तरफ चला जाता है। वाइल ही वॉज रनिंग अराउंड द बनियन ट्री, जब वो उस बनियन ट्री के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़। वेन द चाइल्ड रीच द फेयर विद हिज पेरेंट्स, अब जब वो फेयर में पहुंच जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, ही सो अ स्वीट मीट सेलर कॉलिंग आउट गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। तो जब वो वहाँ मेले में एंटर करता है तो वो देखता है कि एक मिठाई की दुकान वाला जो है मिठाइयाँ बेच रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबियाँ हैं उसके पास। हिज माउथ वाटर्ड सीइंग द टेस्टी स्वीट्स एंड ही आस्क्ड हिज फादर टू बाय हिम अ स्वीट। उसके मुंह में पानी आ जाता है वो स्वीट्स देखकर और वो अपने फादर को बोलता है कि वो उसे स्वीट लेकर दे। बट नो वन पेड हीड टू हिज रिक्वेस्ट, लेकिन कोई भी उसकी रिक्वेस्ट को अटेंशन नहीं देता है। एज ही वेंट अहेड विद हिज पेरेंट्स, फिर जैसे जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ आगे बढ़ता है, He heard a flower selling a garland of gulmohar. वो देखता है कि एक फूल बेचने वाला जो है एक फूलों की माला बेच रहा होता है।
अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, यानी फूलों की माला गुलमोहर के फूलों की। ही सो द बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड वॉन्टेड टू बाय अ गार्लैंड। उसके बाद वो एक फूलों की टोकरी देखता है और वो माला खरीदने की इच्छा जताता है, मतलब इच्छा जताता नहीं है पर उसका मन करता है उसको खरीदने का। हाउएवर ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम द फ्लावर्स। उसे पता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसको फ्लावर्स खरीद कर नहीं देंगे या ये फूलों की माला नहीं खरीद कर देंगे। सो ही मूव्ड ऑन विद देम। देन ही नोटिस्ड अ बैलून मैन सेलिंग रेनबो कलर बैलून्स। तो वो उनके साथ चल पड़ता है और फिर वो देखता है कि एक बैलून मैन जो है रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है। ही वॉन्टेड टू बॉय दस बैलून्स बट ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज कंसिडरिंग ही वॉज कंपेरेटिवली ओल्डर टू प्ले विद दोज कलरफुल बैलून्स। तो उसके बाद जो है वो जब बैलून वाले को देखता है तो उसका उनको खरीदने का मन करता है, लेकिन वो जानता है कि उसके पेरेंट्स इसके लिए भी मना कर देंगे क्योंकि वो ये बोलेंगे कि अभी वो इन बैलून से खेलने के लिए बड़ा हो गया है, मतलब अब उसकी एज नहीं है बैलून से खेलने वाली। अपने मन ही मन में वो ये बात सोचता है और वो उनसे नहीं कहता। हैंस ही वॉक्ड पास द बैलून मैन विद हिज पेरेंट्स। उसके बाद वो उस बैलून मैन को जो है पास कर जाते हैं, उससे आगे निकल जाते हैं। एज ही मूव्ड फॉरवर्ड, जब वो आगे बढ़ते हैं, द चाइल्ड नोटिस्ड अ स्नेक चार्मर। वो एक सपेरे को देखता है हु वॉज प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक कोइल्ड इन अ बास्केट, जो बांसुरी बजा रहा होता है एक स्नेक के पास जो एक बास्केट से लिपटा हुआ होता है। ही वेंट क्लोजर टू द स्नेक चार्मर। वो सपेरे के पास जाता है। बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुडंट अप्रूव ऑफ हिज लिसनिंग टू सच कोर्स म्यूजिक। लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स जो है अप्रूव नहीं करेंगे इस म्यूजिक को सुनने के लिए। सो ही वॉक्ड फर्दर। फिर वो चल पड़ता है एंड सो अ मैरी गो राउंड। उसके बाद वो एक झूला देखता है गोल चक्कर वाला। ही ऑब्जर्व दैट मैनी पीपल वर एंजॉइंग द राइड एंड कॉल्ड आउट टू हिज पेरेंट्स दैट ही वॉन्टेड टू टेक अ राइड। उसके बाद वो देखता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस झूले को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि उसे भी इसका एक राइड चाहिए। लेकिन बट देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम देम। लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। वेन ही टर्नड अराउंड, जब वो वापस मुड़ता है, ही कुडंट फाइंड हिज पेरेंट्स नियर बाय। वो अपने पेरेंट्स को अपने पास नहीं देखता है। द चाइल्ड डेस्पिरेटली लुकड आउट फॉर हिज पेरेंट्स। वो बहुत ही डेस्पिरेटली अपने पेरेंट्स को ढूंढना शुरू करता है, बट दे वर नाउ वेयर टू बी फाउंड। लेकिन अब वो उसको कहीं पर भी नहीं दिखते हैं। ही अंडरस्टूड दैट ही वॉज लॉस्ट सो ही स्टार्टेड सोबिंग। सोबिंग का मतलब है रोने लगता है। अब वो समझ जाता है कि वो गुम हो चुका है, इसलिए वो रोना स्टार्ट कर देता है। द चाइल्ड गेव आउट अ लाउड डीप क्राई एंड टीयर स्टार्टेड रोलिंग डाउन हिज आईज एज ही सर्च्ड फॉर हिज पेरेंट्स एवरीवेयर। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने पेरेंट्स को इधर उधर ढूंढने लगता है। ही क्राइड लाउडली एंड रैन टू एंड फ्रो। और वो इधर उधर भागता है बट ही कुडंट फाइंड हिज पेरेंट। टू एंड फ्रो का मतलब है इधर उधर भागता है, कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है, वापस घूम घाम के वहीं आ जाता है। लेकिन उसको उसके पेरेंट्स कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। द प्लेस वॉज वेरी क्राउडेड एंड ही रैन फॉर द श्राइन इफ ही कुड फाइंड देम देयर। वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह होती है तो वो श्राइन की तरफ भी जाता है, लेकिन वहां पर भी उसको नहीं मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज लॉस्ट एंड ही वॉज लिटल। ही वेंट अहेड क्रॉसिंग मैनी पीपल हु वर ह्यूज इन साइज देयर। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो है वो गुम हो जाता है। वो बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो इधर उधर जो है लोगों को पार करता हुआ, मतलब वो बहुत छोटा बच्चा होता है, लोग उससे साइज में बड़े होते हैं, तो उनकी टांगों के बीच में से ही निकलता हुआ इधर उधर जो है अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा होता है। सडनली अ मैन हर्ड हिज क्राई। एक आदमी उसके रोने की आवाज सुनता है एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। और वो उस भीड़ भाड़ में से उसको उठाकर अपनी गोद में ले लेता है। द चाइल्ड वॉज फॉर्चुनेट दैट ही वॉज पिक्ड अप बाय एन अफेक्शनेट मैन। चाइल्ड बहुत ही किस्मत वाला होता है वो बच्चा कि उसको एक अच्छे आदमी ने उठाया। किसी गुंडे बदमाश ने उठा लिया होता तो उसको वो किडनैप कर लेता या कुछ भी, लेकिन अच्छा हुआ कि एक अच्छे आदमी ने उसको उठाया। द काइंड मैन आस्क्ड हिम। उस भले आदमी ने उससे पूछा उसके पेरेंट्स के बारे में, आस्क्ड हिम अबाउट हिज पेरेंट्स। बट द चाइल्ड रिप्लाइड सोबिंगली नॉट नोइंग देयर वेयर अबाउट्स। लेकिन वो रोता हुआ बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। द मैन ट्राइड टू पैसीफाई द चाइल्ड। पैसीफाई का मतलब होता है शांत करना, तो वो उस बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है एंड आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू टेक अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड। और उसे पूछता है कि क्या वो झूले पर राइड लेना चाहेगा। बट द चाइल्ड रिप्लाइड दैट ही वॉन्टेड हिज पेरेंट्स ओनली। और वो बोलता है कि उसे सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए, और इस दौरान वो सिर्फ एक ही लाइन बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई पेरेंट्स। सून द मैन टुक द चाइल्ड टू द बैलून मैन। वो उस बैलून मैन के पास भी उसको लेकर जाते हैं, स्वीट शॉप पर लेकर जाते हैं, फ्लावर सेलर पर लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं, आस्क्ड हिफ
ही वुड लाइक टू बाय एनी ऑफ दोज, कि उसे इनमें से कुछ चाहिए, बट द यंग बॉय रिफ्यूज, लेकिन वो सब चीज़ों के लिए जो है मना कर देता है. ही वॉज अडामेंट दैट ही वॉन्टेड नथिंग, वो बोलता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बट हिज पेरेंट्स, उसे उसके पेरेंट्स चाहिए. द चाइल्ड टर्नड हिज फेस अवे फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स विच ही वॉन्टेड टू बाय अर्लियर, वो उन सब चीजों से मुंह फेर लेता है जो उसको पहले चाहिए. स्टोरी में हमने क्या पढ़ा, द चाइल्ड ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर, वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है, यही चिल्लाता है, रोता हुआ बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, और इतनी चाहत थी उसके मन में उनके लिए, मुझे अपने फादर चाहिए. इन चीजों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को चाहता है, क्योंकि वो उनसे बिछड़ गया है. बिछड़ने के बाद ही उसका प्यार का जो है हमें वो दिखाई दिया है कि वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है, क्योंकि बिछड़ने से पहले तो वो सिर्फ चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था ना, और अपने मन में ये भी सोच रहा था कि उसके पेरेंट्स उसको ये नहीं दिलाते, वो नहीं दिलाते, लेकिन बाद में उन सब चीज़ों की मोह माया को छोड़कर उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं. तो इसमें जो है इस बच्चे का उसके माँ बाप के प्रति जो बॉन्ड है, लव और अफेक्शन का, वो दिखाया गया है.